बड़ी मुश्किल है खोया मेरा स्टॉक है, कहाँ उसे ढूंढू कोई बताए ना, जाके कौन से वेब पे ढूंढू कोई बतलाए ना, ट्रेडिंग करूँ या नहीं करूँ, मैं क्या करूँ, ट्रेडिंग करूँ या नहीं करूँ, मैं क्या करूँ। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। चलिए आज बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया, असल मानूस तर असल गूगल तरस मानूस जगल हमारे मराठी में कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्क्रीनर है हमारा गूगल है, यहाँ पे जाइए और गूगल पे सर्च करिए कौन से भी स्टॉक के बारे में या जो भी है। ये देखिए यहाँ पे ये मैं समय बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली, लेकिन आप टाइप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे टुडे स्टॉक इन न्यूज़, यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कौन से स्टॉक्स में आज न्यूज़ है या यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने में आएगी। और यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे आप अच्छा खासा यहाँ से लिस्ट आप ढूंढ सकते हो। तो बहुत सारे क्लिक करिए, इस टाइप के आपको सारे रिसर्च ओपन हो जाएंगे और आज किस स्टॉक्स में न्यूज़ है, वॉल्यूम कहाँ आएगा वो भी पता चल जाएगा। जैसे मनी कंट्रोल पे भी जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये हो रहा, लेकिन न्यूज़ हर स्टॉक में न्यूज़ है तो ये कैसे कर सकते हैं हम एग्जैक्ट, हमें टेक्निकल या फंडामेंटल जो भी पैरामीटर हमें यूज़ करना है तो किस तरीके से स्पेशल स्क्रीनर हम यूज़ कर सकते हो। पर मैं बहुत सारे स्क्रीनर है लेकिन मैं तीन स्क्रीनर आपको आज बता रहा हूँ। और ये जो तीन स्क्रीनर है इसका कोई सीरियल नंबर नहीं, ये बेस्ट है ये नहीं बेस्ट है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। देखिए पहला हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू। ये देखिए tradingview.com पे हम जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीनर है, स्क्रीनर पे स्टॉक स्क्रीनर पे जाइए, क्लिक करिए तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे पहला तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो कंट्री है यह हमारी इंडिया की ही सेलेक्ट की है क्या, और यहाँ नहीं है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, पहले मैंने करके रखी है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए सिंबल टाइप रहेगा पहला, यहाँ पे एनी स्टॉक पे चाहिए आपको या कॉमन स्टॉक चाहिए, डिपॉजिटरी चाहिए, ETF, प्रीफर स्टॉक भी आप यहाँ पे, कोई लोग बोलते कि मैं 10 ही स्टॉक में करूँगा, ये 5 ही मेरे स्टॉक में हूँ तो वो भी स्टॉक यहाँ पे, उस पर भी आप स्क्रीनर लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए ह्यूज स्क्रीनर है ये, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारा यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखिए बेसिक EPS DTM है, परसेंटेज चेंज, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में हम पहले जाते हैं, वॉल्यूम आप यहाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सा चाहिए, 10 मिलियन से 200 बिलियन चाहिए कौन सा, वो उतना आप सेलेक्ट करिए। वॉल्यूम कितना होना चाहिए उस स्टॉक में, एवरेज वॉल्यूम कितना होना चाहिए, पिछले 30 दिन का, 90 दिन का, 3 महीने का, जो भी है। देखिए मैं ये पीछे स्टॉक्स चेंज हो रहे हैं, मैं जैसे यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो ये सारे फंडामेंटल यहाँ पे चीज़ें हैं। एक्सचेंज कौन सा चाहिए आपको, BSE NSE, तो मैं यहाँ पे एनी की जगह NSE कर लेता हूँ। बाद में ओपन कहाँ पे, बिलो अबव, ये सारा पोस्ट मार्केट हाई प्री मार्केट हाई, और ये सारे यहाँ पे जो जनरल डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स है यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और ये 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम, 2 महीने का एवरेज वॉल्यूम, सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स में देखेंगे तो फंडामेंटल्स में बेसिक EPS से लेकर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने रहने चाहिए, करंट रेशियो क्या है, MRQ, डिविडेंस पेड, डिविडेंस EBITDA, EPS, ये सारे जो फंडामेंटल टर्म्स है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट डेबिट, नेट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्राइस बुक, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, प्राइस, ये सारे जो मैं ज़्यादा फंडामेंटल पे ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन क्यों ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि जो निफ्टी 50 के स्टॉक है या फ्यूचर के स्टॉक में ही मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग करता हूँ, तो वहाँ पे और इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा वीक भी फंडामेंटल रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो फंडामेंटल्स की भी सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे टेक्निकल्स
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैंने RSI 60 किया, वो लगा दिया राइट, या यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, परसेंटेज चेंज, यहाँ पे देखिए ऑसमस लेटर बॉलिंजर बैंड, जो जो आपने जो भी डॉन्सन चैनल जो भी इंडिकेटर सुने हैं, सारे इंडिकेटर यहाँ पे आप उसका स्क्रीनर बना सकते हो। एक्सपोनेंशियल मूविंग 10, 20, 30, 50 सारे मूविंग एवरेजेस, इचोमोको क्लाउड्स, मनी फ्लो, एमएसडी सिग्नल्स, ऑसिलेटर्स, पैटर्न्स, पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट, जो भी है बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको अबव बिलो 60 के जगह मैं यहाँ पे अबव 60 के स्टॉक मुझे चाहिए, बराबर। तो देखिए ये पीछे स्टॉक अबव 60 के RSI है, तो वहाँ पे कितना है, और चेंज यहाँ पे अबव कितना रहना चाहिए, और परसेंटेज भी यहाँ पे डाल सकते हो अबव जो भी है परसेंटेज। तो मुझे कुछ चेंज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्ट्रांग बाय स्ट्रांग सेल कौन सा चाहिए, रेटिंग में हमें स्ट्रांग बाय वाले चाहिए, ठीक है, स्ट्रांग सेल वाला चाहिए। मार्केट अभी निफ्टी नीचे जा रहा है, स्ट्रांग सेल वाले लीजिए। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, और उस हिसाब से आप यहाँ पे आपके स्क्रीनर को सेट कर सकते हो। और ये देखिए ये रिजल्ट आ गया हमें, एशियन पेंट से लेकर हिंद जिंक पीडी लाइट बर्जर पेंट। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे वॉच लिस्ट तैयार हो गई। यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो डायरेक्टली ये आपको इसका चार्ट भी ओपन करा के देगा, और किस तरीके ये बताएगा भी। यहाँ पे देखिए स्ट्रांग बाय आ गया है, ये स्ट्रांग बाय क्यों आया है देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल्स में बताएगा, बैलेंस शीट की वजह से बताएगा, प्रोफाइल की वजह से बताएगा, न्यूज़ क्या क्या है उस मार्केट। ये सारा फ्री है फ्रेंड्स, चिंता ना करें कि मेरा वो पेड वर्जन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा फ्री है ये, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और मैं यहाँ पे स्क्रीनर के कोडिंग पे भी काम कर रहा हूँ, हमारे फ्रेंड भी है तो फ्रेंड भी उस पर, हमारी टीम काम कर रही है, देखेंगे हम क्या हो सकता है इसमें। और यहाँ पे इस तरीके से आप स्क्रीनर ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हो। ह्यूज स्क्रीनर है, बहुत ऑप्शन है, सारा है। कभी कभी ये सारे बहुत ऑप्शन होने से भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आ सकती है। तो फिर आप investing.com को देखिए, investing.com पे जाएंगे आप तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे स्टॉक स्क्रीनर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे आप तो ये स्क्रीन स्टॉक स्क्रीनर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका यहाँ पे है, तो हमें इंडिया सेलेक्ट करना है, बराबर। यहाँ पे ऑल एक्सचेंजेस की जगह मैं ENSE सेलेक्ट करूँगा, राइट। ऑल सेक्टर की जगह मुझे किस सेक्टर में काम करना है, मुझे क्या लगता है आज कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा, तो मैं कैपिटल गुड्स का सेक्टर ले लेता हूँ, ऑल इंडस्ट्री, चलिए बाकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्राइटेरिया है, पॉपुलर रेशो, प्राइस, वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी, फंडामेंटल, डिविडेंस, टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे आप चॉइस करिए, जैसे PE रेशो मैंने चॉइस कर लिया, तो मुझे स्टॉक्स चाहिए ऐसे PE रेशो के जो जीरो से लेकर लगभग 20 को हो, जीरो के 20 के बीच के स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे वो ये प्रोसेस हो जाएगा और वो स्टॉक्स मुझे दिखाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से बाकी भी मार्केट कैप कितना चाहिए आपको वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, इस तरीके से स्क्रॉल करके भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप स्टॉक को ढूंढ सकते हो यहाँ पे। बाकी ईयर चेंज, डिविडेंड रियल वॉल्यूम सारे, फिर रेशो के कॉलम में जाओगे, यहाँ पे PE रेशो, EPS, बहुत सारे रेशो यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारा फ्री है फ्रेंड्स, पेड तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं फ्री के यूज़ करने को आपको बता रहा हूँ, और पैसे इधर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए डेली चेंज, परसेंटेज चेंज, प्राइस का पूरा यहाँ पे आएगा, वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी से रिलेटेड जो भी हाई बीटा स्टॉक ढूंढने हैं या जो भी ढूंढना है आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। फंडामेंटल ये मैं कट करता हूँ, फंडामेंटल्स में देखिए रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, जो भी आपका क्राइटेरिया है तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिविडेंस देखिए मैंने स्टॉक सेलेक्शन पे 3-4 वीडियो भी बनाए हैं, वहाँ पे जाके देखिए आप और उसको भी इम्प्रूव करिए, प्रैक्टिस करिए। डिविडेंड में क्या क्या सारे ये आप ये कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस में देखिए
यहाँ पे इंडिकेटर्स ADX से लेकर ATR से लेकर CCI से लेकर MACD RSI सारे यहाँ पे हैं। मैंने RSI सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मुझे स्टॉक जो चाहिए वो 60 से लेकर 100 तक के स्टॉक चाहिए। तो मेरा व्यू यही है कि ये बुलिश हो जाएंगे, लेकिन लोग 60-70 के ऊपर बेचने की सलाह देते हैं, मैं तो बाय करने की सलाह देता हूँ। सलाह ही नहीं देता मैं कभी, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके बिल्कुल ले लो, ये बताना पड़ता है यार हर वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए JK लक्ष्मी सीमेंट और यहाँ पे सारे ये देखिए इतने स्टॉक आए हैं और वहाँ पे आप क्लिक करके उसके चार्ट पे भी जा सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से हम investing.com का यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं अगला भी बताऊंगा और एक बोनस वेबसाइट भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। नए मेहमानों से भी विनती है, आप आइए इस चैनल पे, सारा सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको, टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, वो बेल का हाँ लाल बटन हाँ सब्सक्राइब हाँ उसके बाजू का हाँ वो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और आपका नाम सिटी के नाम के साथ लिखिए नीचे, ताकि मैं खुद आपका वेलकम कर सकूँ हाँ इस फैमिली में, हमारी फैमिली में। और आप नए फैमिली मेंबर हो रहे हो तो वेलकम बिल्कुल। और अकाउंट ओपनिंग के बहुत सारे ऑफर हैं, उसको भी देखिए और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल चेक करते रहिए। यहाँ पे देखिए तीसरा वेबसाइट हम देखेंगे यहाँ पे ticker tape.in, ये वेबसाइट भी आपको बहुत सारे फीचर देता है। कुछ पेड फीचर है इनके और कुछ फ्री है, लेकिन मैं इनसे कुछ भी मेरा संबंध नहीं है। मैं आपको ये भी डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, सिर्फ मैं ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टिकर टेप में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे स्क्रीनर है, इस पर क्लिक करोगे आप तो इस प्रकार का वेब पेज खुल जाएगा और यहाँ पे अच्छा खासा हिल जाएगा, ये वेब पेज खुल जाएगा। और डरने का नहीं, रुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, टेंशन काय को लेने का, बराबर। टेंशन देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं आपको, लेकिन वो चाहते ही है कि आप आगे ना जाए, तो उनका टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए सेक्टर चॉइस कर सकते हो, स्टॉक चॉइस कर सकते हो, आपको निफ्टी 50 में ही चाहिए या 100 में ही चाहिए या मिड कैप में चाहिए, जो भी आप सेलेक्ट करो वहाँ पे। और वहाँ पे सेक्टर आपको चाहिए तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा सेक्टर चाहिए आपको, मार्केट कैप जो है वो कौन सी चाहिए, मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए कंपनी की, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो स्क्रॉल डाउन से। ये देखिए मैं जैसे जैसे यहाँ पे इसको इधर लेके जा रहा हूँ स्टॉक कम होते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे स्टॉक बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यह मार्केट कैप के, या डायरेक्टली आप मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप ऐसा यहाँ पे निकाल सकते हो। और इसमें फीचर ये भी है कि नए नए भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कंपनी की, उस हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन है, क्लिक करके इसमें आप जा सकते हो। फाइनेंशियल रेशियोज है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हो। ग्रोथ है तो कुछ ऑप्शन लॉक है, इस तरीके से ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है टेक्निकल एनालिसिस से लेकर सारे। तो यहाँ पे देखिए चेक करिए और आपको कंफर्टेबल ये होता है क्या देखिए तो ही यूज करिए और इस प्रकार से इसमें जाइए। तो ये तीन मैंने वेबसाइट बता दी है, चलिए मैं बोनस वेबसाइट भी आपको बता देता हूँ चार्टिंग। ये बहुत वेबसाइट अच्छी लगती है और बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं इसमें। तो यहाँ पे जाएंगे तो स्क्रीनर पे क्लिक करिए तो इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीनर बनाना इस स्क्रीनर कैसे बना यहाँ पे चार्टिंग पे, इसका भी मैंने एक वेब वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, वो जाके देखिए वहाँ पे। और यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत आसान है क्या सेगमेंट सेलेक्ट करना। मैं यहाँ पे फ्यूचर के स्टॉक लेता हूँ और यहाँ पे देखिए समझो यहाँ पे हम देखेंगे MACD लाइन क्रॉस कर ली है और क्रॉसिंग अबव और कौन से लाइन को करेगी, ये मैं जनरल ये स्क्रीन ये नहीं है, ये स्टॉक सिलेक्शन मेथड नहीं है, मैं सिर्फ एक बना के दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। और ये MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, क्रॉस अबव और लेटेस्ट, यानी यहाँ पे टाइम फ्रेम आप चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे लेटेस्ट रखा क्योंकि वो डेली पे रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए और वन आवर चॉइस करिए, कौन सा भी चॉइस करिए और रन स्कैनर, तो यहाँ पे स्कैनर रन हो जाएगा। और ये देखिए ये स्कैन रन हो के गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सारे स्टॉक यहाँ पे आ गए हैं हमारे। तो
तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। और मैं बोलता हूँ कि इतना सारा कि मेरा 1-2 साल इस पे चला गया। मैं सिर्फ स्टॉक स्क्रीनर ही देखता था, स्क्रीनर ही देखता था। सारे पेड़ पैसे भर भर के भी मैंने किए, लेकिन कुछ भी यूज नहीं होता है। हम जो आंखों से ट्रेंड हो जाएंगे, हम हर चार्ट को देखेंगे। हम 100 चार्ट है, 100 चार्ट को रोज देखिए फ्रेंड्स। जो टॉप 100 कंपनी है उनको रोज देखिए, FNO की कंपनियों को रोज देखिए। पैटर्न दूंगे, सारा स्टॉक सेलेक्शन का मैंने सिखाया हुआ है, रोज मैं ये दिखाता हूँ। और ये देखिए, मैं ट्रेडिंग व्यू, ये investing.com, टिकर टेप, चार्ट इंक, आई चार्ट, ये भी अच्छी वेबसाइट है। स्टॉक सेलेक्शन स्क्रीनर.इन, फटाफट, ईडलवाइज, बेस्ट स्क्रीन, सारे बहुत सारे ऑप्शंस है फ्रेंड। और अगर इसमें से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है स्टॉक ढूंढने में, और आपको कौन से स्टॉक में, जैसे राज शुरू में ही गाना गा रहा था वैसा आपका भी हाल हो रहा है, तो सब कुछ स्टॉप कर दो और चार्ट कमांडो चैनल पे आ जाओ फ्रेंड। यहाँ पे मैं रोज बताता हूँ आपको क्या करना है। मैं रोज आपको 3 से 4 शेयर तो मिनिमम देता ही हूँ, वो वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। उसको हमारी स्ट्रेटेजी में अगर बैठता है तो ट्रेड करिए, नहीं बैठता है तो छोड़ दीजिए डायरेक्टली। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे पूरा, यहाँ पे देखिए पूरे दिन, हर दिन का यहाँ पे वीडियो और रहेगा, और एक दिन पहले मैं देता हूँ, तो उसका फायदा लीजिए फ्रेंड। तो आप सोचिए, सबसे आप मुझे बताइए नीचे कमेंट में, सबसे अच्छा स्क्रीनर कौन सा है, आपको कौन सा सबसे अच्छा स्क्रीनर लगा। और अगर इससे भी अलग कुछ आपके पास नॉलेज हो वो भी बताइए, ताकि लोगों को हेल्प हो सके। और बिल्कुल यहाँ पे मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, लास्ट तक वीडियो देखा आपने, इसलिए तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।